हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून. दिन के बज रहे हैं 1 और मैं अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऑफिस आ गया था सुबह जल्दी यार, और सुबह से काम चल रहा है. आज संडे है, आज का क्या ही काम है. आज कोई काम ढंग से नहीं हो रहा है क्योंकि आज कोई न्यूज़ ही नहीं है. आज कोई न्यूज़ नहीं मिल रही यार. संडे को इसी तरीके से रहता है, कोई न्यूज़ नहीं मिलती है. तो बाकी न्यूज़ चैनल वाले भी डाउन रहते हैं और आज हम लोग भी थोड़ा डाउन है. डाउन इन द सेंस क्या, जब न्यूज़ नहीं है तो डाउन ही रहना पड़ेगा. और भाई आज ऑफिस में थोड़ा और चेंजेस हुए हैं. हमारी ऑफिस में डेली चेंजेस होते हैं, बट कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा. आज हमारे ऑफिस में चेंजेस हुए हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको. ये भाई साहब को इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी वजह से. इनको दूर रखा गया, एक लोग की वहाँ पर पहुँचा दिया गया. देखे, कोरोना नियमों का पालन हो रहा है ऑफिस में. बहुत बड़ी ऑफिस है हमारी, इसी ऑफिस में हमारा कोरोना नियम का पालन हो रहा है. और अभी हम लोग अभी आज जो है वो बंदा आया भी नहीं, उसकी भी तबीयत ख़राब हो गई. तो इसीलिए हमने ये सारी चीज़ सोची कि थोड़ा चेंज करते हैं और मास्क वगैरह लगा के बैठते हैं. अभी तो मैं मास्क निकाल दिया हूँ फिलहाल, कोई कमेंट ना करे. फिलहाल काम वगैरह हो गया है यार, और आखिरी वीडियो एक एडिट हो रही है और वो भी एडिट होकर आज अपलोड हो जाए. 5 वीडियो हो गई है, लगभग 2 बज रहे हैं, 5 वीडियो हो गई. आज के लिए सफिशिएंट है, अब इसके बाद कोई काम नहीं होगा. आज दिन भर, आज हाफ डे था. फिर उसके बाद कहाँ चलेंगे, गाड़ी देखते हैं. फिर गाड़ी निकलेगी, फिर देखते हैं, कहीं ना कहीं तो चलेंगे. आज थोड़ा मूड घूमने का था तो हमने कहा चलो काम यही बंद करते हैं. सो फिलहाल अभी जब आपको हम निकलेंगे यहाँ से, फिर आपको दिखाएंगे कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं, कुछ अभी पता नहीं है. गाड़ी निकलने के बस वही वाला हाल हो गया ना कि निकलो, कहीं ना कहीं तो पहुँच ही जाएंगे. उसी तरीके का काम है. तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे रास्ते में. रास्ते में परेशान होकर आज घूमने निकले हैं. बहुत दिन हो गया था, निकले नहीं थे. बहुत दिन से नहीं निकले, एकदम लाइक हालत खराब हो गई थी. आज संडे, आज भी ना निकलना होता, बस संडे था, न्यूज़ थोड़ी सी कम रहती है, प्रेशर कम रहता है. तो चलो ठीक है, थोड़ा यार माइंड फ्रेश करने के लिए निकलना पड़ता है, नहीं तो कब तक ऑफिस में बैठ के तुम काम करते रहोगे. और सारा वर्कलोड अभी हम ही दोनों के ऊपर है, तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. तो सोचे नहीं थे, लेकिन सही हो गया कि चलो कुछ नहीं आज हुआ है. संडे आज जा रहा है, 5 वीडियो गई है. 5 वीडियो यार, उस हिसाब से देखा जाए तो हम लोग 6 वीडियो शाम तक डालते थे. हाँ, हाफ डे फुल डे काम हाफ डे में कर लिए. काम वही हुआ है, बस काम उतना ही है. बस हाँ ये है कि थोड़ा जल्दी हो गया, और ऐसा नहीं कि वीडियो भी अच्छी अच्छी गई है. बस आप लोग जाके देखिएगा, हमने ऑटोमोटिव की भी एक सीरीज लॉन्च कर दी है, जिसके अंदर जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होती है, जिनको भी इंटरेस्ट है कार्स बाइक्स वगैरह में, जाकर के वीडियो को जरूर चेकआउट करें और सपोर्ट करें थोड़ा सा. चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सेकेंड चैनल के नाम से वहाँ पर लिखा है हमने. आप जाकर विजिट करिए और देखिए कैसा हम लोग का जो भी हम काम कर रहे हैं उस पर कैसा रिस्पॉन्स वगैरह. आप बताइए कि कोई गलती हो या तो हम उसे सुधारें, तो सारी चीज़ें आप हमें बताइए कमेंट करके, हम उस चीज़ को पूरी तरीके से सुधारने की कोशिश करेंगे. फिलहाल अभी ये सारी बातें नहीं करते हैं, अभी चलते हैं कुछ खाते पीते हैं. तो काम से बाहर निकल जाओ भाई. काम से बाहर निकल ही नहीं पाते हैं, हर बात में काम घुस जाता है. क्या देखो, लाइफ में और कुछ अब रह नहीं गया है. 21-22 साल की एज हो गई है, तो बहुत पता नहीं मूड से अभी वही बात कर रहे थे कि हम लोग निकले मूड फ्रेश करने. तो सुल्तानपुर भाई इतना कंजेस्टेड है कि अगर आप चाहो कि आप गाड़ी वाड़ी लेके निकलो, चलो यार मूड फ्रेश करते हैं, घूमते टहलते हैं, तो मूड आपका खराब होगा, सही नहीं होगा कभी जिंदगी में. इतना ट्रैफिक, कोई इधर से ले आएगा, कोई उधर ऊपर पत्थर मार देगा, मूड फ्रेश ही नहीं हो सकता जब तक आप किसी ठीक ठाक हाईवे पर ना चले हो. हाईवे पर आने के बाद भी सब ठंडक मतलब यहाँ
यहाँ तो यही प्रॉब्लम है, यहाँ यही प्रॉब्लम है। अभी पिछली बार भी जब हम गाड़ी लेके निकले थे, हम तो सर्विस करवाने के लिए निकले थे, छोटी सी प्रॉब्लम थी बताने गए, हो गया ठुक गया तुरंत। यही निकले थे हम लोग, चलो मूड भी सही हो जाएगा और बन भी जाएगी गाड़ी, लेकिन बनने की जगह और ठोक दी गई। मैं बताऊं, मैंने गाड़ी जिस दिन ली, हफ्ते भर बाद याद आया कि अरे यार गाड़ी की इनवाइस तो मिली नहीं है, जा रहे इनवाइस ले गया, हफ्ते भर हुआ निकलते ही गाड़ी पीछे मतलब बगल से तीनों पैन टकरा गया। यहाँ छोटे शहरों में यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है यार, बहुत कितना भी बचा के चला लो भाई, 8-9 साल का एक्सपीरियंस गाड़ी चलाने का हम लोग का, लेकिन बच नहीं सकते। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आप कितना भी बचा लो, सामने वाले से सामने वाला गड़बड़ करके चला जाता है। अभी वही हाल मेरी कार के साथ हुआ, आप लोगों ने ब्लॉग देखा होगा कि पूरी गाड़ी सामने से ठुक गई है। अभी तो इंश्योरेंस के लिए दे दिए हैं, देखो उन्होंने प्रॉमिस डे दे तो दिया है हमें 28 तारीख, देखो कब देते हैं क्या इसको मिल जाएगी। हाँ 28 को प्रॉमिस डे दे दिया है उन्होंने, रिटर्न में लिया 28 को दे देंगे या 28 से पहले। वैसे तो उन्होंने कहा है हफ्ते भर में ही गाड़ी दे दी जाएगी, लेकिन जी सर अभी तक तो गाड़ी खड़ी है फिलहाल, अभी कल गए थे देखने। अरे वो एक ही सामान है, एक दिन का काम है उसमें, सिर्फ एक दिन का काम होगा, सामान भी सारा जौनपुर में मिल जा रहा है। चेसिस थोड़ी बेंड हो गई है, चेसिस वो वाली नहीं बेंड हुई है, खाली जो इस तरीके से फ्रंट पे लगती है वो बेंड हुई है, तो वो तो सीधा करेंगे नहीं, वो नया नया चेसिस चेंज करेंगे, रेडिएटर मतलब एक दिन का आधा दिन का काम है, वही है कि इंश्योरेंस क्लेम और माल वाल का बस। सबसे बड़ी अभी तक इंश्योरेंस वाले ही नहीं आए, सोच लो उसके बावजूद भी इतना टाइम लग जाता है क्लेम में, जो की जिम्मेदारी पूरी डीलरशिप की होती है, लेकिन उसके बाद अगर आप बाहर से लोगे तो फिर उसमें आपको बार बार भागना दौड़ना और फिर चक्कर काटना मतलब बड़ी परेशानी जाती है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि अगर कोई भी गाड़ी लेने जा रहा है और इंश्योरेंस के लिए वो देख रहा है कि मेरा 10-20 हज़ार बाहर बच जा रहा है, बाहर से नहीं बचेगा, जरूर अंतर आता है 10-20 हज़ार का, बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है। तो आप प्रेशर बनाइए अपने डीलर को कि आप डिस्काउंट दें, क्योंकि ये सब जो पैसे बचाते हैं इंश्योरेंस और ये जो RTO का होता है इसी में से इसमें पैसे ज़्यादा बचते हैं, तो अगर आप वहाँ प्रेशर बनाएंगे तो वहाँ से वो डिस्काउंट करा देंगे, और बाहर से मत लो अगर ज़्यादा दौड़ भाग नहीं कर सकते। और भाई देखो एक चीज़ मैं फिर से आपको कहना चाहता हूँ अपने ब्लॉग के जरिए, मारुति की गाड़ी पे यार कतई भरोसा ना करना। हमने किया, गलती थी हमारी, लेकिन अब वो गलती कभी नहीं होगी। आप लोग भी मारुति की गाड़ी पे तो बिल्कुल भरोसा ना करिएगा। अगर मारुति वाले ये ब्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज़ यार कुछ तो सुधार कर लो, खाली गाड़ी ही ना लॉन्च करो। बलेनो फेसलिफ्ट लॉन्च कर रहे हो तुम, नहीं नहीं अभी हाल ही में कौन सी गाड़ी लॉन्च हुई थी मारुति की, सिलेरियो, क्या चेंजेस, खाली तुम चीजें नई नई चीजें करते हो, सेफ्टी में कुछ नहीं, क्योंकि मार्केटिंग मारुति की सिर्फ माइलेज पे बेस होती है, सिर्फ से कोई सेफ्टी नहीं, कोई फीचर्स नहीं, सिर्फ एक चीज माइलेज फीचर्स। और सेफ्टी में आपको जाना है तो भाई बड़ा दुख हुआ, फोर्ड चली गई, फोर्ड बस हो सकता है फोर्ड वापस आ जाए, हमने अपने चैनल पे वीडियो भी डाली है, तो वीडियो प्रमोशन भी कर रहा हूँ। और अगर फोर्ड की क्वालिटी या फिर आप इस समय तो जो टाटा की गाड़ी आ रही है उसकी भी बड़ी अच्छी क्वालिटी है, तो थोड़ा सा इसमें मारुति को सुधार करना चाहिए, थोड़े फीचर वगैरह बढ़ाएं, थोड़ी सी फीचर में तो एक तरीके से देखा जाए तो वो एक देखो, क्योंकि मारुति एक तुम्हारी मिड रेंज गाड़ी है, और वो जैसे वो होता है ना कि निसान मैग्नाइट देख लो, 8-10 लाख रुपए में क्या गाड़ी दे रहा है, CCTV कैमरा दे रहा है, मतलब हुंडई और टाटा नहीं दे पा रहे इतने में। ये चीज तो है, मारुति का एक चीज हमने देखा है, अगर टॉप मॉडल ले रहे हो तो तुम्हें कैमरा मिलेगा, नहीं तो मिलता भी मिलेगा ही, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। चलो बेस मॉडल में 360 कैमरा दे रहा है निसान मैग्नाइट, क्या गाड़ी, क्या गाड़ी। तो अपने चलो फिर गए हैं अड्डे पे आ गए हैं, अब आपसे डायरेक्टली वहीं पे मिलते हैं। आए हम लोग अभी डेरा बसी ढाबे पे, और ये लखनऊ रोड पे है, आप लोग भी आइएगा कभी तो जरूर यहाँ विजिट करिएगा, काफी अच्छी प्लेस है। बट खाने का क्या है अभी ये हिसाब हमें नहीं पता है, चल के ही देखते हैं। अच्छा नहीं है, बस चाय पीना है। हाँ बस चाय पीना है। यहाँ ये डेरा बसी ढाबा है, बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है, बस खाने का इनका थोड़ा प्रॉब्लम है, खाना उतना अच्छा नहीं रहता। चलो भैया चले, चाय पीने आए हैं, बस चाय पी के निकल जाएंगे फिर।
हम लोग यहाँ से जा रहे हैं मारुति की एजेंसी, कार अपनी देखते हैं कार क्या कंडीशन है, अभी कुछ हुआ कि नहीं हुआ। और उस दिन मैं आपको मारुति की एजेंसी की हालत नहीं दिखा पाया था, आज दिखाते हैं मारुति की क्या कंडीशन है और अपनी कार की भी कंडीशन है। एक बार फिर से मैं दिखाता हूँ किस तरीके से लोग खड़ी किए हैं, क्या कर रहे हैं, अभी कुछ पता नहीं। तो अभी जा रहे हैं मारुति की एजेंसी और आपको चल के दिखाते हैं। ये है यहाँ पर। अच्छा, इंश्योरेंस वाला लग रहा काम हो गया है। हाँ, इंश्योरेंस वाला एक काम लग रहा हुआ है। 25 बदलेगा? हाँ, ये पूरा बदलेगा। ये पैनल ये और ये फ्रंट का देख रहे हो, तो बहुत बुरी लड़ी थी। हाँ, किस साइड? इस साइड नहीं है, इस साइड हल्का फुल्का वही स्क्रैच आया था बस। ये बस बम्पर पे, बाकी ये हल्का आगे वाला चेंज होगा, पीछे वाला नहीं? पीछे वाला चेंज नहीं होगा, पीछे वाला सही है, खाली ये जो टचिंग दे देंगे बस, जो कलर उड़ा है बाकी सब वही रहेगा। ट्रिगर न्यूज खड़ा है यहाँ पे, ये कलर ही। इंश्योरेंस का काम हो गया है इसका, बस सामान आने की देरी है, आज ही हुआ है, कल तक नहीं था। इधर वो बेस मॉडल खड़ी है, सही है, बन जाए जल्दी। बहुत बुरी ठगी है, देख नहीं रहा, पूरा दम धज्जी उड़ा दी। अभी ये काहे खोला है? समन्वय सिंह पड़ा है सर। गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं ऑफिस पर और अभी आपको चलकर दिखाते हैं। फिलहाल आपने देखा वहाँ मारुति का, अभी गाड़ी का क्या हाल है क्या नहीं, अभी तो कुछ समझ में आया नहीं है। उन्होंने मार्किंग तो कर ली है जहाँ जहाँ पर भी दिक्कत हुई है गाड़ी में, बाकी देखते हैं अभी क्या काम है। असल में मारुति वालों ने ये कहा था कि जो आपका पीछे का पैनल है उस पर भी जो भी चीज़ें हुई हैं, जो टूटा फूटा है, उस चीज़ के लिए अभी हम उतना वो जोर नहीं डाल रहे थे, लेकिन शायद हो सकता है कि कर लिया, क्योंकि अभी मैंने देखा मार्किंग हुई है, पापा गए थे तो कल तक तो ये चीज़ नहीं थी, तो हो सकता है इंश्योरेंस का काम कंप्लीट हो गया हो। बाकी फ़िलहाल ऑफिस पे आ गए हैं और आपको आज ऑफिस में जो ऊपर छत वगैरह पड़ी थी, शटरिंग वगैरह लगी थी, सब कुछ हट चुका है। आपको चल के दिखाते हैं अब ऑफिस प्रॉपर तरीके से दिखेगा कि क्या क्या चीज़ें। थोड़ा लाइटिंग की इशू रहेगी बट कोई नहीं, सह लेंगे थोड़ा। तो चलिए आपको दिखाते हैं। शासक दिखा के ला रहे हैं ऑडियंस को। भैया यहाँ थोड़ा बचा के चलना पड़ेगा, ये सीढ़ी वाली जो शटरिंग है ये अभी आज ही लगी है, क्योंकि ये सबसे आखिरी का काम था, थोड़ा बच के चलना पड़ता है। लाइटिंग का इशू हो सकता है, बस क्या करें। हाँ, तो हम लोग ऑफिस में आ चुके हैं और ये हमारा ऑफिस है और आप यहाँ से देखिए, ये जो ये आप एंट्रेंस पे देख रहे हैं, ये गेट जो है ये एंट्रेंस है, यहाँ से हम लोग ऊपर आएंगे और ये एंट्रेंस है। एंट्रेंस पे ये एक पूरा यहाँ पे हॉल रहेगा जहाँ पे जो भी लोग आएंगे वो बैठेंगे यहाँ पर, और ऑफिस का किचन है, कुछ भूख लगे खाने पीने के लिए, तो अभी यहाँ भी ये सारी चीज़ें बन रही हैं अलमारी वगैरह। और ये हमारा मेन ऑफिस रहेगा जहाँ पर मैं आ रहा हूँ, ये हमारा मेन ऑफिस है, आप इसको देख लीजिए। ये एक बाहर का बालकनी एरिया है जहाँ पर हम लोग बैठेंगे, बाकी हमारी एक टेबल यहाँ लगेगी जैसा मैंने आपको बताया है ऑलरेडी, और हमारी एडिटिंग की टेबल यहाँ पे लगेगी, एडिटिंग का एरिया इधर पूरा रहेगा। तो ये हमारा मेन ऑफिस है, बाकी स्टूडियो हमारा इस रूम से निकल के इधर हमारा स्टूडियो है, आपको मैं दिखाता हूँ। ये है हमारा स्टूडियो, इस तरीके से तो अभी क्लियर नहीं दिख रहा होगा बट अभी आप लोग देख लीजिए, ये स्टूडियो है। यहाँ क्रोमा लगेगा इस वॉल पे और इधर कैमरा रहेगा और बाकी लाइटिंग का सेटअप तो अभी चीज़ें होनी है, बाकी अभी तो हम लोग ऊपर नहीं आएंगे क्योंकि अभी तो आप देख ही रहे हैं, अभी बहुत सारे काम बाकी हैं, अभी प्लास्टर होना बाकी है, लाइटिंग लगना बाकी, होप सो कल से वायरिंग वगैरह स्टार्ट हो जाए, लाइटिंग लगना सब कुछ चालू हो जाए, तो ये सारी चीज़ें। और अभी इस एरिया पर ग्रिल भी लगनी है, ये सारा भी काम हो रहा है। फिलहाल ये सारा काम जब कंप्लीट होता है तो ऑफिस ऊपर लाएंगे और काम जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएगा। सर जी कुछ कहना चाहेंगे ऑफिस बन के कंप्लीट होने की खुशी पे? सभी तो बाकी ये काम काफी वो फिर दिखाएंगे अभी तो बहुत सारा काम बाकी है,
कंप्लीट होता है, फिर ऊपर आते हैं और काम बहुत तेज़ी से स्टार्ट करते हैं। बिलहाल काम तो तेज़ी से चल ही रहा है लेकिन और भी तेज़ी से करना है। तो अभी मैं आज निकल रहा हूँ घर के लिए यार, अभी ज़्यादा कुछ काम था नहीं, आज आपने देखा ही जो था कि हमने कर के दिखाया आपको। और फिलहाल मैं निकल रहा हूँ घर और आपसे मिलते हैं कल, अब कल सुबह मिलते हैं आपसे। और फिलहाल आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और यार थोड़ा सा सपोर्ट करिए चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और फिलहाल चलते हैं, टाटा बाय बाय, मिलते हैं आपसे कल।